लेकिन मुझे लौटने में थोड़ी शंका हो रही है। क्या कह रहे हो जी? ये संशय कछु फिरती वारा, वापस आने में संदेह है, लेकिन हम आपको भेज भी नहीं सकते क्योंकि आप हमारी सेना के युवराज हैं। और रही मेरी बात, तो अब मेरी अवस्था दूसरी है। जिस समय मेरी युवा अवस्था थी, उस समय मैं एक घड़ी में इस पृथ्वी की सात परिक्रमा कर लिया करता था, लेकिन देख रहा हूं। जय हो। कहा ये चुपति सुन हनुमान। आज हनुमान इस प्रकार से मौन बैठे हैं जैसे कि कुछ चल पाना। इनका तो जन्म ही परमात्मा के कार्य के लिए हुआ है। पवन तने बल पवन समाना, काचु पिशाद ही रहा बलिवाना। राम काज लय तब अवतारा, सुन तही जागो हनुमान पर्वता का। जागो अपने प्रभु की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो चामल क्या कहते हो, जाकर बादल पर कर दूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, इस खारे जल की धारा को लंघूं या अभी मिल जाऊं, जिस गिर पर लंका पूरी बसी उस त्रिकूट पर्वत को ही ले आऊं मैं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ कर दिखाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। जब मंत्र में पूछो तो ही उचित शिखावनी दीजो हुए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान, आप जितना कह रहे हैं आप उससे कहीं अधिक कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ना ही हमारे महाराज सुग्रीव का ऐसा आदेश है और ना ही कोई प्रभु श्री रामचंद्र जी का ऐसा निर्देश। बस आदेश तो केवल इतना है कि माता श्री जानकी जी का पता लगाना है, सो आपको केवल लंका तक जाना है, माता श्री जानकी जी की सुध लेनी है और पुनः प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाना है। हाँ, यदि आवश्यकता पड़े तो उन दुष्टों को कुछ बल अवश्य दिखला देना, ताकि हम बानर भालुओं का भय उनके हृदय में व्याप्त हो जाए। बस आप जाए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह कहना ही सब चलो हर सही है, अरे रघुनाथा सिंधु तीर कबूतर सुंदर कूद चढ़ोता ऊपर है। हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत हूं, आप परमात्मा के कार्य के लिए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर कुछ क्षण ठहर कर विश्राम करें, मेरे जीवन को भी कृतार्थ करें। हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं अभी प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूं, और जब तक मैं अपने प्रभु का कार्य पूर्ण कर दूं तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। आप कृपा करके मुझे आदेश प्रदान करें कि मैं अपने प्रभु का कार्य संपूर्ण कर सकूं। धन्य है आपके हृदय के विचार, कह रहे हैं राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। जय हो, आप परमात्मा के कार्य में सफल हो। जय जय श्री राम। हनुमान सही प्रसाद कर कुन कीन प्रणाम, काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि से का, सुरसा नाम अहिर के माता, पटई ने आई कही तेही बाबा। सावधान बनरी के बच्चे, सावधान। हनुमान जी को जाते हुए देखा देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा को परीक्षा लेने के लिए भेजा। सावधान हो जा मनरी के बच्चे, आज मैं तुझे खाकर अपनी छोधा समाप्त करूंगी, सावधान। ये क्या सुन रहा हूं? ये तो किसी नारी की आवाज है जो मुझे खाने की बात कर रही है। लेकिन हाँ, एक विचार आया, अगर नारी को माता शब्द से संबोधित कर दिया जाए
हो सकता है कि मुझे छोड़ दे, मैं प्रयास करके देखता हूँ। हे मैया, मैं प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, राम काज कर फिर मैं आबो, सीता का सुधी प्रभु सुनाऊ। हे मैया, मैं माता सीता की खबर प्रभु श्री राम को सुना दूं, उसके बाद में मैं आपके पास में आऊंगा, आप मुझे खा लेना। चुप, 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 चुप। माता माता कर रहा है, बानरी का बच्चा बड़ा चापलूस बनता है। और आप हैं भाई भोला गुप्ता जी, आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं, साधुवाद धन्यवाद। नारी जात की है, माँ कह दूंगा तो द्रवित हो जाएगी, लेकिन नहीं, आज तेरी मृत्यु सुनिश्चित है, मैं तुझे खाकर समाप्त कर दूंगी, सावधान। आ रहा हूँ। कब न्यो जतन दी नहीं जाता, जो ससी न मोहि तयो हनुमाना, भोजन भरते ही बदन पसारा, कप तन तीन दुगुन विस्तारा, सोजन सोरई जोजन मुकते ही दयवु, रत पवन सुख पत सुभयु, जस जस सुरसा बदन पढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा, बदन पैठ पुन बाहर आवा, माता पिता ताहि सिरु नावा। जय हे मैया, मैं आपके मुख से जाकर के आपके उधर से होकर के बाहर आ गया, अब आप मुझे आदेश प्रदान करें कि मैं अपने प्रभु का कार्य करूं। हे श्री हनुमान जी, मैं नागों की मां सुरसा हूँ, देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा हितार्थ आपके समीप भेजा था, सो आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, अब हमें विश्वास है कि आप परमात्मा के कार्य को अवश्य करेंगे, जाएं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसी चलो हनुमान, गिरि पर चढ़ लंका तही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग पिसे की, बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार। देख रहा हूं, मैं लंका के प्रथम द्वार पर आ गया, यहां पे तो राक्षसनी पहरा दे रही है, क्यों ना मैं अपने स्वरूप को छोटा सा बना लूं, जिससे वो मुझे देख भी नहीं पाएंगे और मैं लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। बसत समान रूप कपधरी लंक ही चलो सुनर नरहरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चलिस मोहि निंदरी। हे बनी के बच्चे, कहां अंदर घुसा चला जा रहा है, तुझे पता नहीं है यहां पर लंकिनी का पहरा है, जो भी यहां से चोरी चोरी जाता है मैं उसे खा जाती हूँ, आ ले घुस। मैंने सोचा था मैं अपना छोटा सा। और भोला गुप्ता जी, भोला गुप्ता जी की तरफ से 51 पद पढ़ रहे हैं, साधुवाद धन्यवाद। ये मुझे देख नहीं पाएगी, लेकिन इसने मुझे देख लिया और ये मुझे खाने की बात कर रही है, तो तुम मुझे इतना छोटा सा समझ के रखे हो कि खा जाओगे। ले घुस जल्दी आ। जय जय श्री राम। नहीं मानेगा तो फिर युद्ध कर मुझसे। आजा। उठ जाए तुम महाकपि हनी, रुधिर पमत धरनी धनुमनी, पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पानी कर भी नहीं ससंका। हे तात हनुमान जी, अब मुझे ये ज्ञात हो गया है, जिस समय रावण को वरदान मिला था उस समय मुझे भी ये वरदान मिला था कि किसी बानर के एक मुष्टिका प्रहार से जब मैं मूर्छित हो जाऊंगी तो मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि रावण की लंका का विनाश का आरंभ हो गया है।
हे तात हनुमान जी, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखें और अपने कार्य के लिए आगे बढ़ें। क्यों नहीं, जय जय श्री राम। प्रभु सिन्न कर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। लंका में पहुंचकर हनुमान जी ने मंदिर मंदिर पृथ्वी सोधा देखी, जहते अग्नि जोधा शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देख बैदे ही। महाराज रावण के महल में जाकर के देखा शयन कक्ष में सो रहे हैं। और पुनः हमारे भोला गुप्ता जी 51 पद मुद्राएं, साधुवाद धन्यवाद। भवन एक पुनरीक स्वभावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुधि अंकित ग्रह शोभा, बरनि न जाय नौ तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। ये क्या देख रहा हूं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करवासा। पूरी लंका में भ्रमण करने के बाद मुझे यह भवन दिखाई दिया जिसकी ईंट राम नाम से अंकित है। एक एक ईंट पे मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ है। देख रहा हूं आंगन में तुलसी का वृक्ष है। मनमोहन तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तह आए। जय श्री राम। हे श्री ब्राह्मण देवता, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देख रहा हूं कि आज निशाचरों की नगरी लंका में आपको प्रथम बार देख रहा हूं, और जब प्रथम बार देख रहा हूं तो हृदय में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब आपके सुंदर मुखारविंद की ओर देखता हूं तो ऐसा हृदय में आभास करता हूं कि केवल आपको ही देखता रहूं। आपको देखने के बाद संसार में और कुछ देखना अब इन नेत्रों को अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अपने हृदय में ऐसा आभास होता है कि कहीं परमात्मा, हां परमात्मा क्यों ना मुझे रूप बदलकर दर्शन देने के लिए आ गए हैं। लेकिन फिर विचार करता हूं कि मेरा तो यह शरीर पाप रूप में है, पाप रूप में हमारा जन्म है, अघ रूप है हमारा, और जिस शरीर से परमात्मा को कैसे पाया जाएगा। परमात्मा नहीं आ सकती, लेकिन क्या परमात्मा के कोई सेवक, क्या परमात्मा का कोई अनन्य भक्त, आप कौन हैं? आप अपना परिचय मुझे प्रदान करवावे। कि तुम्हें हरिदा, कि तुम्हें हरिदा सनमा कोई मेरे पिप्र सुनो। कि तुम्हें हरिदा सनमा कोई मेरे पिप्र सुनो। महा कोई
परिचय मुझे प्रदान करो। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हे तात, जिस प्रभु के नाम का आप स्मरण कर रहे थे, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। क्या? हाँ, मैं यहाँ माता सीता का पता लगाने के लिए आया था, लेकिन मुझे यहाँ माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिर का चंदन कैसा, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम प्रपोषण करते हो, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। वास्तव में मेरा जीवन धन्य हो गया। और पुनः हमारे भोला गुप्ता जी आपकी तरफ से 51 पद मत रहे, साधुवाद धन्यवाद। देखिए 10-5 मिनट के लिए और पूरी बेलना है, माताएं बहने पहुंच जाए। भाई देखिए, ये बार बार बताने का विषय नहीं है, एक बार सभी को, 2 बार 10 बार करीबन हो गया। अब जिनके जिनको ऐसा लगता है कि हमें करना चाहिए वो लोग चले गए, और जो करने करना कर रहे हैं वो अभी भी यहीं पर उपस्थित हैं, और जिन्हें नहीं करना है बार बार कहने से अच्छा नहीं लगता। हाँ, वैसे सहयोग सबको करना चाहिए। हनुमान जी, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया। अब भरोस मोहि भा हनुमंता, क्योंकि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संतों के दर्शन नहीं होते, और जब संतों के दर्शन नहीं होते तो व्यक्ति के जीवन के पापों का विनाश नहीं होता, और जब पापों का विनाश नहीं होगा तो फिर जीवन में सदगति की प्राप्ति नहीं हो सकती, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता। और केवल यदि संतों के दर्शन मात्र से व्यक्ति के जीवन का कल्याण होता है, क्योंकि संत दरसते पातक तरई, संतों के दर्शन से पापों का विनाश हो जाता है, पाप विहीन शरीर परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। परमात्मा की कृपा मुझ पर है इस बात का विश्वास हो गया। आपने मेरा परिचय पूछा, मैं श्रीलंका के सम्राट राजा रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। आपने पूछा किस प्रकार से यहां पर रहकर आप हमारे प्रभु की भक्ति करते हैं। श्री हनुमान जी, आप तो सब जानते हैं, यद्यपि यहां रहकर मैं मन ही मन अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करता हूं, लेकिन हृदय में सुख की अनुभूति नहीं करता, क्योंकि भक्ति को तो स्वतंत्र होना चाहिए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, जब भक्ति स्वतंत्रता में की जाती है तो वो सुख को प्रदान करती है। यहां तो यह शरीर, यह जीवन मेरा परतंत्रता में व्यतीत हो रहा है। श्री हनुमान जी, मुख में भगवान का नाम होता है, नेत्रों में जल भराते हैं, सोचता हूं क्या कभी कृपा सिंधु दीन बंधु मेरे ऊपर भी दया करेंगे कि नहीं। श्री हनुमान जी, ये रसना राघो राघो, रसना राघो राघो,